हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। चलिए, ये अगर आपका सिस्टम में अगर दिखने लगे, कोई भी अगर साइट ओपन कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसका आप अनसेफ पे भी देख के आप आगे बढ़ सकते हो, वो ओपन हो जाती है। लेकिन इसका रीज़न क्या होता है, दो रीज़न होता है इसका। या तो आपका पीसी में टाइम डेट सेट गलत हो, या तो फिर कंपनी जिस वेबसाइट जो कंपनी चला रहा है उस वेबसाइट को उसका जो एसएलसी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया हो इस वजह से। तो एक्सपायर अगर उसका सर्टिफिकेट है तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा, वो अपने आप रिन्यूअल करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए हम लोग टाइम सेट करके देख लेते हैं। आप लोगों को टाइम सेट करना तो आता ही होगा, पीसी में कैसे करें, फिर भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, डेट जो टाइम रहता है वहाँ शो करना है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो आपका ये कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो इस पर चेंज जो यहाँ पे है, चेंज डेट एंड टाइम, वहाँ पर क्लिक करना। और नीचे में इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस टाइप का खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम पर देख लेते हैं। हालांकि यहाँ से वहाँ से भी आप कर सकते हैं, चलिए वहाँ से हम लोग करेंगे, इसको पहले देख लीजिए। वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं डेट वगैरह जो भी है। तो इजीली तरीका जो है उसी से हम दिखाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए रिसीव तो कर दिया मैंने। अब मेरा हालांकि मेरा टाइम डेट जो है वो सही था, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप देख ही रहे हैं मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया फिर भी, तो चलिए ओके मैंने कर दिया और वहीं से मैं चेंज करूँगा। हालांकि आप देख ही रहे हैं कि जो टाइम डेट हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से सेट है, फिर भी हमारा वही शो कर रहा। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वहाँ से हम लोग एक बार रॉन्ग सेट करेंगे फिर राइट सेट करेंगे। चलिए हम पहले देख ले, ये देखिए यहाँ से इजीली आप सेट कर सकते हैं जो है 6। आज का डेट 6 है तो हम लोग चलिए 5 पे क्लिक कर देते हैं या 7 पे क्लिक कर देते हैं। चलिए 7 पे क्लिक कर देते हैं और 7 पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। और चलिए आज, हालांकि आज 6 है, आज का डेट 6 है। अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बताएगा आपको। जैसे हम लोग रिफ्रेश करने जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या शो करेगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया आपको कि योर क्लॉक इज़ अहेड, यानी कि आपका जो टाइम है वो गड़बड़ा गया, तो उसके चक्कर में आपका तो होना ही था। ये तो एक कारण ये भी होता है कि आपका टाइम अगर सही सेट ना हो तो वो नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि टाइम जो भी रहता है वो इंटरनेट पर ऑलरेडी सेट रहता है और मैच ना करे तो वो नहीं चलता है, ठीक है। चाहे वो पास्ट का टाइम हो या फ्यूचर का टाइम हो, कुछ भी, कंप्यूटर सारा ऑलरेडी सेट किया हुआ रहता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से टाइम को जो था वैसे ही कर लेते हैं। तो आज का जैसे 6 है तो 6 कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से चेंज टाइम पे। और आज जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक कर लेते हैं, चलिए जो है जैसा है वैसे ही कर देते हैं फिर से, ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो ना तो ऑप्शन जो ये वाला आता है, तो यहाँ पे आपको जैसे सेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन आपका डेली जो होता है कोलकाता डेली ही शो करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वहाँ भी आप सेट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए रिफ्रेश करते ही वो खुद ही आ गया जो था मेरा पहले से, वही आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम आपको और एक ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ सेटिंग पे जाके, जैसे हम लोग सेटिंग पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे सेटिंग पे जैसे ही ओपन करते हैं तो सेटिंग पे ओपन कर ले, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन होने दीजिए, ठीक है, फिर बताते हैं आपको। हालांकि ये काफ़ी स्लो चल रहा है जबकि स्लो नहीं चलना चाहिए था सिस्टम। चलिए हो सकता है कोई अपडेट, न्यू अपडेट मैंने कर दिया होगा जिसके वजह से स्लो हो गया, तो उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 जो भी रहता है ऑटोमेटिक अपडेट लेती रहता है, और हालांकि जो भी अपडेट आपका ऑटोमेटिक होगा उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो एडवांस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है, एडवांस पे क्लिक करते हैं। तो ऑटो अपडेट होने से क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपका स्लो करती है, जो मतलब फास्ट प्रोसेस में आपका कुछ काम नहीं कर सकते हैं और ऑलरेडी स्लो कर देता है। तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग यहाँ
क्लियर डाटा कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर डाटा जैसे ही यहाँ से करते हैं तो आपका जो भी आपका प्रॉब्लम था इस पे, जो भी डाटा या फूल या फिर किसी तरह का कैच प्रॉब्लम, तो वो क्लियर हो जाता है। तो इसको करने के बाद भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं एडवांस पे क्लिक करके। हालांकि ये एडवांस पे क्लिक करने की ज़रूरत है नहीं, उसी में सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं और इस पे भी एक बार क्लियर कर देते हैं। और चलिए हो गया। इसको होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका जो भी सेटिंग, जो भी कैच, जो भी कुछ आपका ब्राउज़र में फुल था वो क्लियर हो जाता है। तो क्लियर हो जाने के बाद एक बार फिर से अगर हम लोग वहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर साइट, जो कंपनी साइट चला रही है, जिसके अंडर से वो साइट ओपन होती है या फिर जिसके अंडर से चल रही है, उसका अगर सब कुछ ठीक है तो आपका सिस्टम में प्रॉब्लम होने से होता है ये प्रॉब्लम। हालांकि हम लोग अपना सिस्टम पे देख रहे हैं, चलिए फिर देखते हैं कि क्या अभी ये सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं रिफ्रेश एक बार फिर से कर लेते हैं। चलिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश करने के बाद अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम हमारा सिस्टम का नहीं है। तो हमारा अगर सिस्टम का नहीं है तो ये प्रॉब्लम जो है वो कंपनी, जिस कंपनी का साइड है वो, उसका जो SLC सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। तो देख रहे हैं जिस टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पे कि रिफ्रेश तो हालांकि हो चुका है मेरा, लेकिन अभी भी वही शो कर रहा है। ये देखिए दिस साइट कांट बी रीचेड, तो अभी भी हालांकि यही शो कर रहा है। तो फिर से रिलोड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये साइड का जो ये है वहीं से ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग एडवांस पर क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं भी करने से कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने टिक कर लिया एडवांस पर। नीचे जो ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप क्लिक करके अनसेफ पे, और इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये साइड ओपन हो जाएगा और आपका सिस्टम पे कोई इशू नहीं है, जिसकी वजह से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जैसे ही इस साइड का जो ऑनर है वो अपने आप को अपडेट कर लेगा, जैसे ही अपना सिस्टम मतलब वेबसाइट को अपडेट कर लेगा, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है आपको वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारा साइट फिर से ओपन हो चुका है अनसेफ मोड पर ही, और यहाँ पर बहुत सारा फीचर जो है वो शो नहीं करता। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ ये कमांड जो भी है, तो ये लिखा हुआ है ये आपका इसी तरह शो कर रहा है क्योंकि ये अनसेफ मोड पे है। ठीक है, तो बहुत सी प्राइवेसी जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती है अनसेफ मोड पे, जो प्राइवेसी मोड पे आपको रहती है। तो दोस्तों आप इसी तरीके का आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।